ऑल राइट, वेलकम एवरीवन। नाउ कल हमने एक ओरिएंटेशन लेक्चर किया था बेसिक। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। आप लोग अपने सिलेबस आपको मिला होगा आज, उसमें देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में पेपर वन में पहला टॉपिक है सोर्सेस। ठीक है, so that is what we will be addressing today. Now for the study of history, what are the two basic type of sources that are available? Kaun kaun se hote hain? Archaeological and literary sources, right? बेसिक डेफिनेशन से सब लोग अवेयर हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं? फिजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट व्हिच हैव बीन अनअर्थ्ड ईदर थ्रू एक्सप्लोरेशंस और एक्सकवेशंस। एक्सप्लोरेशन का मतलब खोजबीन करना, एक्सकवेशन का मतलब कि खुदाई करके। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं? Written records of the past which have been left behind on what kind of material? Perishable or non-perishable material? Perishable material, यानि कि paper पे, wood bark पे, tree leaves के ऊपर, etc. ठीक है? अच्छा, now we will cover these one by one. पहले आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर। तो आर फर्स्ट टास्क इज टू एन्यूमरेट द वेरियस काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दैट आर अवेलेबल। तो कितने तरह के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं? आर यू अवेयर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मिल सकता है हमको पास्ट से थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन? वी कैन गेट अ सीरीज ऑफ माउंड्स। माउंड का मतलब क्या होता है? अ हीप ऑफ अर्थ और अ हीप ऑफ डर्ट विच इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ वेरियस फॉसिल्स और सेटलमेंट्स एटसेट्रा ऑफ अ बायगॉन एज। तो व्हेन यू एक्सकवेट दीज माउंड्स क्या क्या चीजें मिलती हैं इनके अंदर से? यू मे गेट सेटलमेंट्स और स्ट्रक्चर्स, such as houses, public buildings, wells, etc. right? और क्या मिल सकता है? You can get various hoards of not only copper objects but several kinds of objects. ज्वेलरी का होर्ड मिल सकता है, कॉइन्स का होर्ड मिल सकता है, अदर आर्टिफैक्ट्स उनके होर्ड्स मिल सकते हैं। और क्या मिल सकता है? ग्रेव्स मिल सकते हैं, यस ग्रेव्स मिल सकते हैं विद स्केलेटल रिमेन्स विद अदर आर्टिफैक्ट्स व्हिच आर प्लेस्ड इनसाइड दोज ग्रेव्स। Anything else you can find from these mounds? You can get from these mounds? Coins वगैरह मिल सकते हैं, तो hoards of objects में आ जाएगा वो। ठीक है, apart from this और क्या हो सकते हैं? Archaeological sources, mounds मिल गए, और क्या मिल सकता है? Inscriptions मिल सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं? रिटन रिकॉर्ड्स विच हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड ऑन नॉन पेरिशेबल मटेरियल सच एज स्टोन, द वॉल्स और पिलर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स
or some metallic plates, copper plates, etc. कौन यूजली इंस्क्राइब करता है ऐसे इंस्क्रिप्शंस, कौन कौन लोग छोड़ते हैं? Either the ruling class or the other affluent classes. ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं. We can categorize them as royal inscriptions and non-royal inscriptions. What else? और क्या होता है archaeological resources में, archaeological sources में? Coins हो सकते हैं, right? Anything else? Various monuments हो सकते हैं. Anything else? Fossilized bones of animals and human beings. What else? Religious structures ho sakte hain, temples, stupas, etc. Will paintings fall under this category? Yes. How about sculpture? How about fragments of fabric or grain, etc., fossilized grains? Ye sab bhi aayega isme. इफेक्टिवली हम लोग क्या देख रहे हैं, व्हाट आर ऑल ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ? इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द ओवरऑल आउटपुट दैट हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द बायगॉन सिविलाइजेशन, बाय द बायगॉन पीपल. ठीक है, तो एक लाइन आप लिख सकते हो, अच्छा यहां सर, नाउ यू कैन गिव द हेडिंग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड विद इन दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ the physical remains of the past. Full stop. Next point. Through explorations and excavations, comma, various artifacts may be unearthed, which can help us reconstruct the ancient past. Full stop. Next point. Important archaeological sources include ek ek karke likh lo, mounds number 1, mounds number 2, inscriptions number 3,
कॉइन्स, नीचे मॉन्यूमेंट्स, एनिमल एंड ह्यूमन रिमेन्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, फैब्रिक फ्रैगमेंट्स एंड ग्रेन्स एक्सेट्रा. फुल स्टॉप. अब ये बताओ दैट इस तरह के सोर्सेज कैसी इंफॉर्मेशन यील्ड कर सकते हैं अबाउट अ बायगॉन एरा, देयर लाइफस्टाइल. अच्छा हाँ, मटीरियल एज वेल एज नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ. कैन यू बी मोर स्पेसिफिक? कैन दीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टेल यू अबाउट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन दैट दीज पीपल हैड? यस. कैसे, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ, तो पॉटरी मेकिंग में रिफाइनमेंट कितना है, राइट? दैट कैन गिव यू एन आइडिया. कौन कौन से मेटल्स यूज कर रहे हैं, उनकी प्योरिटी क्या है, वेदर दे हैड द नॉलेज ऑफ मेकिंग एलॉयज और नॉट. पॉटरी एंड मेटलर्जी कैन ऑल्सो गिव यू इनसाइट्स इनटू देयर कमांड ओवर द यूज ऑफ फायर, बिकॉज अलग अलग टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं, तो कितना हीट वो जनरेट कर सकते हैं ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो मटीरियल साइंसेस के ऊपर उनका कमांड क्या था, एक इस तरह का इनसाइट मिलता है. देन फ्रॉम द ग्रेन फ्रैगमेंट्स, फ्रॉम द ग्रेन फॉसिल्स, फ्रॉम द क्लॉथ फ्रैगमेंट्स, आपको और कुछ चीजें पता लगती हैं, जैसे कि हाँ, उनका एग्रीकल्चरल बेस कैसा था, वॉट वॉज द काइंड ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी दैट दीज पीपल हैड, वॉट क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड, किन सीजन्स में क्रॉप्स को कल्टिवेट कर रहे थे. अच्छा, वॉट वॉज द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, दैट ऑल्सो यू कैन ग्लीन फ्रॉम द सेटलमेंट दैट दे लीव बिहाइंड. अगर कोई ऐसा कल्चर होगा जहां पर बहुत छोटे छोटे विलेजेस मिल रहे हैं, तो डू यू थिंक दैट दे वुड हैव अ वेरी लार्ज एग्रीकल्चरल सरप्लस और स्मॉलर एग्रीकल्चरल सरप्लस? स्मॉलर एग्रीकल्चरल सरप्लस. क्यों? लार्ज सिटीज को सस्टेन करने के लिए आपको एक बड़ा एग्रीकल्चरल सरप्लस चाहिए. वाई? क्योंकि उन जगहों पर, उन सिटीज में नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन रहता है, जिसको सस्टेन करने के लिए एक सरप्लस चाहिए, एंड दैट सरप्लस इज कमिंग फ्रॉम द कंट्री साइड, राइट? कॉइनेज से हमको क्या क्या पता लगता है? मेटलर्जी, प्रेजेंस और नॉन और एब्सेंस ऑफ ट्रेड, स्केल ऑफ ट्रेड, राइट? देन कॉइन्स के ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट प्रेजेंट होता है, सम डेटीज के इमेजेस होंगे, किंग्स के नेम्स होंगे, कुछ डेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? सो दिस कैन गिव यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द फ्लो ऑफ हिस्ट्री एज वेल. सिमिलरली इंस्क्रिप्शन से क्या पता लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रॉयल इंस्क्रिप्शंस हैं, तो डायरेक्टली यू कैन हियर फ्रॉम द वर्ड ऑफ द रूलर व्हाट ही वांट्स, राइट? सो दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रॉयल प्रोपेगेंडा आफ्टर ऑल, ठीक है? अच्छा, देन कहां कहां पे कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, व्हाट डज दैट इंडिकेट? हाँ, द एरिया दैट दीज पीपल कंट्रोल्ड. आप लोगों ने सुना होगा हमारा सिक्का आज भी वहां तक चलता है. व्हाट डज दैट मीन? आपका इन्फ्लुएंस अभी भी वहां तक है, राइट? सो कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन से फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया दैट वुड इंडिकेट द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल सेटअप, राइट? और क्या पता लगता है इंस्क्रिप्शन के थ्रू? यू कैन गेट अ वेरी गुड ग्लिम्स इन टू द माइंड ऑफ द रूलर हिमसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, अशोका के इंस्क्रिप्शन से क्या पता लगता है? एन एंटायरली न्यू आइडियल ऑफ किंगशिप. How he started to give preference to the idea of Dhamma Vijay over Dig Vijay. The concept of Dhamma was also expanded by him through these inscriptions only, right? Achha. Then religious structures such as temples, stupas, what do they indicate?
कि कौन कौन से रिलीजन्स प्रेवलेंट थे, हु वर दी वंस हु कमीशन्ड दीज, फॉर व्हाट पर्पस, हु विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डिड दे रिमेन एक्टिव, When did they emerge? When did they started declining? ये सारा का सारा आपको religious structures के थ्रू पता लग सकता है. Then the iconography, the symbolism, the art which is used to decorate these religious structures also gives you some deeper ideas, not only into the tastes of the people and the ruling class, but also in the cosmo religious, mythico religious, as well as the value based and ethical norms of that particular society. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग सकती हैं. What is the utility of archaeology in Indian history? Importance क्या है? Why should you consider archaeology to be an important source of history? एक तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने कैटेगराइजेशन किया है सोर्सेज का इनटू आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. देयर इज अनदर मेथड ऑफ क्लासिफाइंग दीज सोर्सेज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? दोज सोर्सेज विच वर क्रिएटेड एट द टाइम जिसको हम पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अशोकन पीरियड, देन हिज इंस्क्रिप्शंस कैन बी सीन एज प्राइमरी सोर्सेज. ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? हाँ, दोज विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ जियाउद्दीन बर्नी इज राइटिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका मतलब क्या है? डिड दीज पीपल लिव एट द सेम टाइम? नो, दे लिव्ड रफली 50 to 60 ईयर्स अपार्ट, राइट? तो इसका मतलब ये किसी और राइटिंग के ऊपर रिलाई कर रहा है, उससे चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एडिंग हिज ओन जीनियस टू इट एंड राइटिंग इट डाउन. वॉट इज द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी सोर्सेज ओवर सेकेंडरी सोर्सेज? प्राइमरी सोर्सेज एक तरह से आई विटनेस अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, किसी चीज को बीत जाने के 50-60 साल बाद या 100-200 साल बाद आप उसके बारे में लिख रहे हो, आर यू गोइंग टू बी कंसिडर्ड मोर रिलायबल? और अ पर्सन हु हैज विटनेस द अकाउंट फर्स्ट हैंड, उसका अकाउंट ज्यादा रिलायबल होगा जो फर्स्ट हैंड देखा है, राइट? सो रिलायबिलिटी इज ग्रेटर. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मोस्ट ऑफ द टाइम आर इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सोर्सेज. और क्या एडवांटेज होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का? हाँ, तो देर आर सेवरल एपिसोड्स इन इंडियन हिस्ट्री फॉर विच सफिशियंट लिटरेरी सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल. एक बहुत बड़ा फेज है इंडियन हिस्ट्री का फॉर विच नो लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल, जैसे कि द स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक पीरियड, राइट? इवन द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड. प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में वी डू हैव रिटन रिकॉर्ड्स, बट दे बोथ प्रेजेंट देमसेल्व्स एंड आर परसीव्ड एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ओनली, क्योंकि हमको केवल स्पेसिमेंस ऑफ हरप्पन राइटिंग मिलते हैं. कोई सील से मिल गया, कोई पॉट से मिल गया, किसी साइन बोर्ड से, पॉट शर्ट से, उसका कोई लिटरेरी वैल्यू नहीं होता है. उसको आर्कियोलॉजी के लेंस के थ्रू ही कवर किया जाता है, राइट? तो ऐसे पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री फॉर विच लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट और इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, आर्कियोलॉजी इज द वेरी बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी. वॉट एल्स, और क्या फायदा होता है? आर्कियोलॉजी से आप क्या कर सकते हो? यू कैन रिकंस्ट्रक्ट मटीरियल, सोशल एज वेल एज कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल क्वाइट रिलायबली. ठीक है, तो उसका कवरेज भी काफी रहता है. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं आर्कियोलॉजी के? अब ये बताओ दैट हरप्पन सिविलाइजेशन आज से कितने साल पहले फ्लरिश कर रहा था?
2500 BC to around 1700 BC, right? So it has been more than 4000 years since it was at its peak. Thick? Do you think that the remains that we find today are in the same condition that they were earlier? Nahin. Inmein periodic degradation hota hai. They are open to climatic as well as manual activity. ठीक है, तो vulnerable. तो मान लीजिए कि वहां पे कुछ फ्लड आ गया, तो मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स गेट वॉश्ड अवे, और पीपल ऑफ अवर लेटर एज कम एंड स्टार्ट इनहैबिटिंग दैट रीजन, तो उसका यूटिलिटी जो है वो डिग्रेड करने लगता है. और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? दे आर ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस. So the same object can be perceived differently by different sets of historians. There is always going to be a level of ambiguity that is associated with each and every archaeological artifact. What else? It is not always possible to correlate the information that we find in the literary sources with archaeological findings. That is the weakness of both the literary as well as archaeological sources. ठीक है, केवल archaeology का नहीं है. What else? और क्या weakness हो सकता है archaeological sources का? बताइए. Are religious structures different from monuments? Yeah, they may be. Monuments में हम और भी तरह के structures include कर सकते हैं, such as palaces or maybe an assembly hall, forts, stadiums, etc. ठीक है? हाँ, तो we were talking about shortcomings of archaeological sources. तो इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं shortcomings? नहीं? No one? अच्छा, नॉट एबल टू थिंक. हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि एक तो उनमें डिग्रेडेशन होता है, दे आर ओपन वल्नरेबल टू इंटरप्रेट मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस. और क्या देखा था? हाँ, दे आर नॉट नेसेसरली इन सिंक विद द लिटरेरी सोर्सेस. फर्दर यू इंस्क्रिप्शंस है, मान लीजिए हमने अभी देखा दैट दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रॉयल प्रोपोगंडा, राइट? तो आर कैन दे बी टेकन एज टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पास्ट? नो, दे सिंपली रिप्रेजेंट एन आइडियल. दे आर ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ व्हाट द किंग वांट्स यू टू नो, right? They are not necessarily representative of a wholesome image. Fourthly, archaeology में क्या क्या चीजें study करी जा रही हैं? Coins, inscriptions, mounds, etc. Right? So they can give you a picture of the past. बट क्या वो मोनोक्रोमैटिक इमेज होगी या फुल कलर में इमेज होगी? मोनोक्रोमैटिक होगी. क्यों? बिकॉज वी लैक द आइडियाज रिलेटेड टू फिलॉसफी, वैल्यू सिस्टम एटसेट्रा. ये आइडियाज जो हैं, दे आर बेटर प्रिजर्व्ड एंड सर्कुलेटेड थ्रू लिटरेरी सोर्सेज ओनली. तो इस फील्ड में ये लैकिंग होता है. ठीक है, आगे लिख लीजिए. Archaeological sources have their own strengths and weaknesses. Number one, और पहले आप strengths लिख सकते हैं. Friends, write down. Archaeological sources fall under the category
archaeological sources fall under the category of primary sources? That is, they are contemporary to the period of study and are hence considered to be more reliable. Second, likho. Archaeological sources shed light on a variety of aspects such as the economy, technological development, agriculture, climatic conditions, trade, crafts production, settlement pattern, religious beliefs and practices, etc. Number three, archaeological sources are very important to study those periods of the past for which literature remains silent. Example, the prehistoric age, next point, archaeology plays a very important role in corroborating historical information found in literary sources, right? So, जो literary sources में चीजें लिखी हुई हैं वो आर्कियोलॉजी से अगर मिल जाता है, then that means that that thing actually existed. It was actually what has been like what has been described. वही हम इसके बाद हम वो करेंगे रिलेटिव सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. शॉर्ट कमिंग्स यू कैन राइट. नंबर वन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज are often susceptible to disturbance over time. Full stop. Subpoint, they may also be displaced
or otherwise distorted, or otherwise distorted. Full stop. Next subpoint. As a result, exclusive reliance upon archaeology may create a distorted picture of the past. A distorted picture of the past. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हैव टू बी इंटरप्रेटेड बाय एक्सपर्ट्स to understand their relevance. Full stop. As a result, comma, there is always scope for misinterpretations due to the personal biases of modern scholars. ठीक है. नंबर थ्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैव अनदर डिसएडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ leaving behind a rather monochromatic image of the past devoid of the vivid color that accompanies literature. So what happens as a result is that in order to enliven that image, modern scholars often have to make leaps, or वहां पे कुछ ना कुछ inaccuracies seep in हो सकती हैं, thus distorting our understanding of the past once again. ठीक है, तो ये हो गया the importance of archaeology as a source of history. Take down a question. Underscore the importance of archaeology for uncovering ancient Indian history. Full stop. Highlight its relative strengths and weaknesses. Highlight its relative strengths and weaknesses. ठीक है, now two types of archaeological sources that you will encounter again and again are coins and
inscriptions, right? So we must also understand their importance for studying history. First of all, coins. So give the heading, coins as a source of Indian history. Coins as a source of Indian history. Earliest coins that we are aware about in India, punchmarked coins belonging to which period? Mahajanapada period. Did they have the image or names of any rulers? कोई ऐसा रूलर्स का इमेज या नेम्स नहीं मिले हैं. आर दे डेटेड और अनडेटेड कॉइन्स? अनडेटेड कॉइन्स हैं. स्टैंडर्डाइज्ड हैं या फिर इररेगुलर हैं? इररेगुलर कॉइन्स हैं. ठीक है, सो दे आर इररेगुलर. अनडेटेड एंड कैरी no names or images of rulers. But they do have certain symbols punched on them. Thus, they are called punchmarked coins. So, they have certain symbols. So, from the perspective of studying history through these punchmarked coins, are they valuable or not? इनका कोई value है या नहीं है? है, value जरूर है. Although the kind of historical information that we can glean from them directly is limited, but indirectly ये बहुत सारी चीजें बताते हैं हमको. जैसे कि क्या बताते हैं? The level of monetization, during the period of the second urbanization, the frequency of or status of trade and commerce. And since यहाँ पे कोई royal emblem या फिर राजा का image या नाम नहीं है, तो ये coins किसने issue किए हैं? मर्चेंट गिल्ड्स ने. सो द इंपॉर्टेंस ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स इन एंशियंट इंडिया कैन बी ग्लीन्ड फ्रॉम सच कॉइन्स. द फर्स्ट रूलर्स हु लेफ्ट बिहाइंड नेम्ड एंड डेटेड कॉइन्स विद इमेजेस ऑफ किंग्स and deities, not Kushans, the Indo-Greeks. Their coins were named, dated, of a regular size and weight. They had images of kings and gods, etc. Right? क्या क्या पता लगता है इनसे? How are they important for the reconstruction of history of their period? Political history, dynastic history, या फिर chronology? को अंडरस्टैंड करने के लिए और रिलीजन में इंसाइट्स देते हैं ये. व्हाट एल्स? टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी तो पुराने वाले से भी पता लगता है कि क्या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था.
बट अब और क्या आइडियाज मिल रहे हैं आपको? वी गेट अ डीपर इनसाइट इनटू देयर आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, into their artistic sense and ability. But यहां पे आपने heading क्या दिया हुआ है? Coins as a source of early Indian history. We are not talking specifically about the Panchmark coins or coins of the Indo-Greeks. We have to talk about the importance of coins as a whole. तो ये केवल आपको representation के लिए था कि इस तरह की information यहां से मिल सकती है. तो कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या क्या अनअर्थ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंटिफिक और मटेरियल नॉलेज, राइट? और क्या बता सकते हैं आपको? दे कैन हेल्प यू इन लर्निंग अबाउट डायनास्टिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री. दे कैन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द क्रोनोलॉजी. इनफैक्ट द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स हमको केवल और केवल कॉइन्स के थ्रू ही पता लगती है. What else? और क्या बता सकते हैं? हाँ, they can tell you about their religion. What else? The kind of information that we, the kind of images that we find from the coins can also give you insights about the local climate and geography. For example, अगर उस पर मोर का सिंबल बना हुआ है तो कॉइन इंडिया का होगा या फिर यूरोप का होगा? इंडिया का ही होगा, राइट? सो सिमिलरली दिस दे कैन ऑल्सो गिव यू इनसाइट्स अबाउट द क्लाइमेट. वॉट एल्स? और क्या बता सकते हैं? द लेवल ऑफ ट्रेड. If coins are found in large numbers, that means trade is more voluminous. If fewer coins are found, trade has slowed down. If no coins are found, that means the economy has entered its unmonetized phase. Aisa kabhi nahi hota hai ki trade completely shut down ho jata hai, right? But it's you can say intensity and volume may have declined. Achha. The purity of the coins, what does that tell you? Nahin, what does that tell you about the economic prosperity? Ki agar high purity hoga, that means there is no shortage of precious metals. Unko impurities milane ki zarurat nahi pad rahi hai. That means high level of prosperity. If there are higher impurities, that means prosperity is declining. Then coins can also give you an idea of what they were used for. For example, अगर बहुत सारे ऐसे coins हैं जो कि बहुत large denominations के हैं, जिनकी metallic value बहुत ज्यादा है, what do you think they would be used for? For daily activities? नहीं, they would be used for large scale transactions, either long distance trade, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एटसेट्रा, इनके लिए पे करेंगे, यूज करेंगे. लेकिन अगर कई सारे स्मॉल डिनोमिनेशन कॉइन्स मिल रहे हैं, व्हाट डज दैट टेल यू? हाँ, दैट डेली एक्टिविटीज में इनका यूज हो रहा है, राइट? कॉइन्स कैन ऑल्सो गिव यू एन आइडिया अबाउट एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स. Coins can also give you an idea. For example, अगर इंडिया में रोमन कॉइन्स मिलते हैं, that means इंडिया had
links with the Romans. Some goods were being exchanged. Coins can also tell you about the territorial extent of any particular kingdom or empire, right? So coins से आपको ये सारी चीजें पता लग सकती हैं. What about extent भी to a large degree, although influence would be also an adequate word, but extent भी चलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा coins आपको उन region से मिलेंगे, coin hoards आपको उन region से मिलेंगे जहां पे direct influence रहता था, right? ट्रेड अगर कर रहे हैं तो वहां पे भी थोड़ा बहुत मिलेगा कॉइन्स, लेकिन उतने वॉल्यूम में नहीं मिलेगा. द कंटेम्प्रेरी कॉइन्स ऑफ द अदर सिविलाइजेशन और अदर किंगडम वुड बी लार्जर इन नंबर इन रीजन जहां पे ये वाली सिविलाइजेशन का ट्रेड हो रहा है लेकिन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है. हाउ अबाउट इंस्क्रिप्शंस? क्या क्या पता लगता है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू? व्हाट डू दे टेल यू? नॉट ओनली आइडिया ऑफ रूलर, नॉट ओनली कल्चरल लाइफ. पहले तो मटेरियल से शुरू करोगे ना, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में पता लगता है कैसे? या द काइंड ऑफ स्टोन वर्क दैट हैज बीन डन विल गिव यू इनसाइट्स अबाउट द काइंड ऑफ stone shaping tools that these people had, right? So once again, technological advancements ke bare mein idea lagta hai. What else? Aur kya pata lagta hai? Can they give you an idea about trade? ज्यादातर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा? Are inscriptions, or do you think that if you had to set up an inscription, will you do it in a remote area that is entirely unpopulated, or are you going to do it in the busiest portions of the city? Busiest portions of the city, right? For example, अगर आप लोगों को अपना कोई pamphlet चिपकाना है, मान लो नुक्कड़ नाटक वगैरह कर रहे हो, कहाँ पे करोगे आप? यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग उसको देखने के लिए आएंगे. एंड व्हाट वुड दीज प्लेसेस बी? ईदर लार्ज सिटीज और इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स, ठीक है. सो इट कैन गिव यू एन आइडिया अबाउट सेटलमेंट्स एंड ट्रेड पैटर्न्स और ट्रेड रूट्स. What else? और क्या बता सकता है ये? The territorial extent once again. Then cultural connections. How? These inscriptions might contain information about some other communities. अच्छा बोगस खाए, हाँ ठीक है. तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कल्चरल कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पीपल और कल्चर्स. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंस्क्रिप्शन को साइट किया गया है बाय दीक्षांत. The Bogus Koy inscription. Bogus Koy is a place in present-day Turkey. यहाँ पे एक inscription मिला है belonging to about 2000 BCE. And this inscription is actually a treaty which was solemnized by two tribes who had been warring against each other, fighting against each other for a long period. So, us treaty ko solemnize karne ke liye the names of certain gods and goddesses have been invoked.
एंड इंटरेस्टिंग क्या है, द नेम्स ऑफ दोज गॉड्स एंड गॉडेसेस सच एज इंद्रा, मित्रा, द अश्विनीज एटसेट्रा. सो व्हाट डज दैट इंडिकेट, दैट द पीपल लिविंग इन दिस रीजन इन अराउंड 2000 BC हैड सर्टेन कल्चरल सिमिलैरिटीज विद द एंशिएंट आर्यंस, क्योंकि दे हैव यूज्ड द नेम्स ऑफ दोज एंशिएंट आर्यन गॉड्स. ठीक है, सो दीज काइंड्स ऑफ कल्चरल कनेक्शंस कैन आल्सो बी ग्लीन्ड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस. What else? Inscriptions, हाँ, language and script के बारे में आपको inform करते हैं. What else? Royal inscriptions अगर हैं तो they are going to be representatives of the royal ideology, so it can give you an idea into the royal ideology, the motivations of the rulers, etc. Non-religious inscriptions किस purpose के लिए लिखे जाते थे? non-royal inscriptions जो हैं, non-royal informations, for example, अभी भी आप लोग जाते होगे, अगर मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, या फिर किसी पार्क में जा रहे हो, वहां पे किसी ने बेंच लगवाया है, तो what will you always find over there? Donated by such and such. So these were almost always donative inscriptions. ठीक है, and donations in ancient India usually कौन करता था? जिसके पास पैसा होगा. कौन? मर्चेंट क्लास और दी नोबिलिटी अपार्ट फ्रॉम दी रॉयल्स, राइट? सो इट कैन ऑल्सो गिव यू एन आइडिया इन टू दी इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस. एंड इन इंस्क्रिप्शंस में स्पेसिफिकली ऑलवेज मेंशन किया जाता था that this particular piece of land or this particular cave has been donated by or constructed by members of which merchant guild. Okay? So it also gives you an idea into merchant guilds and their activities. Right? Then some of the other royal inscriptions, एक तो हो गया royal ideology, for example Ashoka के जो inscriptions हैं उसको outlay कर रहा है. The inscription of let us say Prayag Prashasti of Harisen, it was not commemorative, it was panegyric in nature. Panegyric मतलब कि किसी की प्रशंसा करने के, किसी की बड़ाई करने के लिए लिखा गया है. So it can also give you insights about the various political events that must have taken place. क्योंकि ये हमेशा किस तरह के पॉलिटिकल इवेंट्स को ग्लोरीफाई करेंगे, एक जंग लड़ी, उसको जीता, इसको हराया, ये कैप्चर किया, ये कॉन्कर किया, एटसेट्रा, राइट? सो दे आर आल्सो वेरी यूजफुल फॉर अनकवरिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री. डू इंस्क्रिप्शंस हैव एनी रिलीजियस वैल्यू? यस, फॉर एग्जाम्पल अशोका के इंस्क्रिप्शंस अलग अलग तरह के हैं. हिज माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली डीलिंग विद बुद्धिज्म एंड हिज इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म. ठीक है, सो रिलीजन प्लेज अ वेरी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस. Do inscriptions give you information about external contacts also? Yes, for example, Ashoka ka jo 13th major rock edict hai, it is almost entirely dedicated to foreign relations, right? Kahan kahan pe usne apne ambassadors ko bheja, kis kis ke court se uske paas ambassadors aaye, etc. Right? Foreign relations.
और क्या मिल सकता है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, और क्या पता लगता है? दीज इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज टू लर्न अबाउट वेरियस सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, the names and titles of various officials, their duties, etc. So a lot of other kind of information can also be gleaned from it, such as social customs and practices, administrative structure, official titles and duties, etc. Okay? Then they can also give us insights into the presence or absence or the nature of various social institutions, such as slavery, untouchability, the various rituals that were done by the different kings or the priests. Social and economic institutions. For example, in the second major rock edict, Ashoka talks about slavery and how slaves should be treated kindly. In the Iran inscription belonging to the 6th century AD, there is the first mention of the practice of sati, right? Iran, wo hum baad mein aage isko cover karenge. ईरान इंस्क्रिप्शन में है तो कैन गिव सच एज सती अनटचेबिलिटी स्लेवरी एटसेट्रा राइट एंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड for almost all periods of the historical age. Beginning from the Mauryan period onwards, aisa almost koi bhi age nahi hai jahan se inscriptions aapko nahi mil rahe hain. That means the coverage and thus the utility for understanding the development of history from the perspective of inscriptions is also quite good. Theek hai? So you can further add this point that inscriptions cover a major portion of India's historical age and is thus important for understanding the process of historical change. ठीक है तो historical change को समझने के perspective से inscriptions काफी important हो जाते हैं. Right, now take down a question. How can inscriptions give us a deeper insight into ancient Indian history?
क्वेश्चन मार्क. पहले वाले क्वेश्चन का वर्ड लिमिट बताया था आपको 200 वर्ड्स, इसका 250 वर्ड्स. देखो पहला वाला क्वेश्चन तो आप लोग आंसर कर लोगे आसानी से क्योंकि उसका पूरा राइटअप है आपके पास. इस वाले के लिए आपके पास केवल पॉइंट्स हैं, यू विल हैव टू मेक द आंसर इन योर ओन वर्ड्स. आई होप यू कैन डू दैट. मैंने जानबूझ करके यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं बिकॉज आई वॉन्ट यू टू यूज द नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव जो कि आपने जीएस में अक्वायर किया होगा. हम इन सारी की सारी चीजों को और डिटेल में देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल जब मौर्यन पीरियड कवर कर रहे होंगे वील टॉक अबाउट द अशोकन एडिक्ट्स इन डिटेल. अगर मान लो गुप्ता पीरियड कवर कर रहे हैं वील टॉक अबाउट द गुप्ता कॉइन्स इन डिटेल. तो मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी फोर्थ कमिंग. अभी के लिए इतना. तो दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट. इंस्क्रिप्शन से ऐसा क्वेश्चन आया है, कॉइन से भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट टेम्पल से भी सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है. सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन दोज टर्म्स एज वेल. कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज. Literary sources are available to us in the context of Indian history from the Vedic period onwards. उसके पहले कोई literary sources हमारे पास नहीं है. Since then, various kinds of literature have been created and preserved. For the sake of convenience, हम उनको divide करते हैं अलग अलग categories में. For example, indigenous literature and foreigners' accounts. Right? Among the foreigners' accounts, ancient period mein India had a number of visitors from different parts of the world. From the Greco-Roman region, from China and from the Arab world also. तो इनको तीन अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. Coming to the indigenous sources, we have a large amount of literature. Once again, for the sake of convenience, we can divide them into religious and secular literature. Religious literature associated to which religions, major religions India ke? Indigenous religions, Hinduism, Buddhism and Jainism. Secular works में क्या क्या हम देख सकते हैं? साइंटिफिक वर्क्स एंड मैनुअल्स, जैसे कि चरक संहिता, द आर्यभट्टियम, बृहस्पति सिद्धांत एटसेट्रा, बृहत संहिता, ये सब देख सकते हैं. साइंटिफिक वर्क्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रीटाइजेस ऑन अदर सब्जेक्ट, सेक्युलर subject such as economy, the political system, etc. Cultural treatises such as
the Natya Shastra of Bharat Muni, the Kama Sutra, etc. Right? And finally, works of pure literature, literary works such as various poems, stories, dramas, epics. Right. So, ye toh ho gaya categorization of the various literary sources that are available. Now, talking about the literary sources one by one, pehle hum indigenous sources mein religious literature se deal kar lete hain. Now, within Hinduism, there are two traditions of literary writing, religious literary writing. Ek tradition hai, Shruti tradition. The other tradition is known as Smriti tradition. Right? Dono mein difference kya hai? Haan. Dekho, the word Shruti is actually a Sanskrit word which means hearing. So, these are works that have been heard, that were revealed. Bol kaun raha tha? Bhagwan. Sun kaun raha tha? Various sages, Rishi Munis. Right? And from memory, they have preserved it. These works were translated over several generations orally to be finally compiled much later. Okay? अब श्रुति ट्रेडिशन में कौन कौन से वर्क्स आते हैं? दी फोर वेदास विचार. सबसे पहला वाला ऋग्वेद, फॉलोड बाय दी सामवेद, फॉलोड बाय दी यजुर्वेद, एंड फाइनली दी अथर्ववेद. ठीक है. नाउ दीज वेदास हैव फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स. हर वेद में चार अलग अलग तरह के टेक्स्ट्स होते हैं. द बेसिक टेक्स्ट इज नोन एज संहिता. व्हाट इज इट? It is a collection of hymns, mantras dedicated to various gods and goddesses. Next we have Brahmanas. क्या होते हैं ये? अब मंत्रास बोलने के साथ साथ यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन रिचुअल्स. सो दीज आर दी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ दोज रिचुअल्स, उनको परफॉर्म करने का करेक्ट प्रोसीजर एटसेट्रा. ठीक है. द थर्ड काइंड ऑफ वेदिक वर्क इज नोन एज अरण्यका. The word comes from the root word अरण्य. अरण्य का मतलब क्या होता है? Forest. So these are also known as forest books. Right? Now यहां पे क्या मिलता है आपको? The philosophical explanations of these rituals जो कि ब्राह्मणास में है. So these are philosophical explanations for the ब्राह्मणास. यहां पे कुछ रिचुअल्स को जस्टिफाई किया गया है, कुछ रिचुअल्स को कंडेम किया गया है फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट.
right? And the last category of works of the Vedic literature is known as Upanishads. Inka subject matter kya hai? Pure philosophy, metaphysics, that is the ideas of God, nature of the soul, the relationship between God and soul, God and man, the nature of the universe, the process of creation, whether the universe is changeable or immutable, whether it is permanent or it can be destroyed, what happens to the soul after death, the idea of life after death, transmigration of the soul, salvation, the path to attain salvation, etc. ये सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है, उपनिषद्स में. सो इट इज अ वर्क ऑफ प्योर फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स. तो एक चीज आपको देखने के लिए मिल रही है दैट आरण्यकास विच अपियर्ड आफ्टर द ब्राह्मणास बट बिफोर द उपनिषद्स, दे कैन बी व्यूड एज अ period of transformation, right? Transformation from what? From focus on pure rituals towards focus on philosophy. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे religion develop होता जा रहा है, it is becoming more and more philosophical in nature. ठीक है? The high philosophy of the Upanishads, they appeared towards the end of the later Vedic age, right? शुरुआत में ये वर्क्स नहीं एग्जिस्ट करते थे, बट इन एनी केस श्रुति लिटरेचर अगर बोलते हैं तो केवल इतने ही वर्क्स इसमें आएंगे और कुछ नहीं आएगा. विच इज द अर्लिएस्ट अमंग दीज? द संहिता ऑफ द ऋग्वेद. ठीक है, आफ्टर दिस, ये जो संहिता ऑफ द ऋग्वेद है, दिस बिलोंग्स टू द अर्ली वेदिक पीरियड. इट वॉज कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली वेदिक पीरियड, कंपाइल्ड लेटर. कॉम्पोजिशन और कंपाइलेशन के बीच में डिफरेंस पता है, आइडिया पता है? कॉम्पोजिशन इज क्रिएशन एंड कंपाइलेशन इज व्हेन इट इज रिटन डाउन, व्हेन इट इज कंपाइल्ड. तो कंपाइलेशन इन सारे वर्क्स का बहुत बाद में हुआ. कॉम्पोजिशन ऑफ द ऋग्वेदिक संहिता टुक प्लेस इन द अर्ली वेदिक एज. कॉम्पोजिशन ऑफ द अदर श्रुति लिटरेचर टुक प्लेस इन द लेटर वेदिक एज. क्लियर? तो ये हो गया श्रुति लिटरेचर. Now, while Shruti literature is considered to be aparushanya, that means not created by man, it is revealed, it has a divine origin. Smriti literature, on the other hand, is not going to have divine origin. It is created from memory by various sages who have memorized the Vedas, and based on their own interpretations, they have written a number of smritis. ठीक है? तो स्मृति का मतलब क्या होता है? मेमोरी. दीज आर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, रिटन फ्रॉम मेमोरी. स्मृति लिटरेचर में भी अलग अलग तरह के वर्क्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सिक्स वेदांगास. ठीक है, now the vedanga ka matlab ho gaya limbs of the veda, they are connected to the veda but not part of it. ye aap imagine kar sakte hain like operator manuals. to jo shruti literature hai, that is like a complex machinery which must be operated, for that some knowledge is required. ab since ye machinery literary hai to yahan pe jo manual hai wo bhi literary nature ka hi hoga. क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है यहां पे? विच सब्जेक्ट्स आर कवर्ड? शिक्षा, दैट इज फोनेटिक, हाउ टू प्रोनाउंस द वेरियस वर्ड्स दैट आर रिटन इन द वेदास. कल्पा, डीलिंग विद रिचुअल.
right? So for performing the various rituals, what should be the correct measurement of the pyre, that of the fire that is made, जो हवन कुंड है उसका करेक्ट मेजरमेंट क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, किस टाइम पे परफॉर्म करना चाहिए, किस डायरेक्शन में बैठ करके परफॉर्म करना चाहिए, ये सारी चीजें कल्पसूत्र से। ज्योतिष दैट इज एस्ट्रोनॉमी, निरुक्ता दैट इज एटिमोलॉजी, मतलब व्हाट इज द रूट ऑफ द वेरियस वर्ड्स फाउंड इन द वेदास, व्याकरण दैट इज the grammar and chand that is meter. So Vedic hymns have to be recited in a particular tempo na, and us tempo ka gyan aapko yahan pe mil jayega chand vedang mein, the meter. Now one of these particular subjects that is the Kalpasutra, which deals with rituals, is going to focus upon different kinds of rituals resulting in some other works known as sutra literature, such as श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र एंड धर्म सूत्र एटसेट्रा. तो व्हाट डू दीज वर्क्स डील विद? The correct procedure to be followed when performing various sutras, various rituals. Shrota sutras are dedicated to elaborate rituals which are performed in a public setting, जहाँ पे बहुत सारे priests involved हैं, general public भी involved है. Usually they were associated with the rituals performed by the rulers. ठीक है. Griha sutra, simple rituals performed by the householder without priestly intervention within the confines of the house, right? And dharma sutra kya hai? Yahan pe ritual se koi lena dena nahi hai. They talk about the idea of dharma. Dharma ka matlab righteousness. What is right, what is wrong? Society mein order ko maintain karne ke liye, what are the different duties and obligations that have to be performed by various members of the society? Alag alag groups ki kya responsibilities hain, kya privileges hain, ye sari cheezon ko discuss kiya gaya hai. Now the dharma sutras were composed by a number of different scholars. To unke naam ke sath un scholars ka naam attach kar diya gaya hai. For example, गौतम सूत्र, अपस्तंभ सूत्र, बौधायन सूत्र, विष्णु सूत्र, वशिष्ठ सूत्र एटसेट्रा. अपस्तंभ, ही वॉज ऑल्सो अ स्कॉलर हु गेव हिज ओन आइडियाज अबाउट धर्म.
ठीक है। अच्छा नाउ थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि जो धर्म सूत्रास हैं दे कम अंडर बोथ दी वेदांगास एज वेल एज धर्म शास्त्रास, ठीक है। तो एक ही सेट ऑफ वर्क्स हैं बट यू कैन प्लेस देम अंडर बोथ कैटेगरीज। तो एक टाइप ऑफ वर्क्स तो हो गए वेदांगास, क्लियर है, ये स्मृति लिटरेचर में एक टाइप ऑफ वर्क है। अनदर टाइप ऑफ स्मृति लिटरेचर उपवेदास, और मिनी वेदास, राइट। दे डील विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द आयुर्वेद विच डील्स विद मेडिसिन, द गंधर्व वेद विच डील्स विद म्यूजिक, द धनुर्वेद विच डील्स विद आर्चरी, एंड द शस्त्र शास्त्र विच डील्स विद नॉलेज ऑफ वेपन्स एंड वॉरफेयर। तो ऑन दीज सब्जेक्ट्स वेरियस स्कॉलर्स ओवर टाइम गेव देयर ओन आइडियाज। नाउ ईच ऑफ दीज उपवेदास is associated to a particular main Veda, ठीक है। आयुर्वेद is associated to the ऋग वेदा, म्यूजिकल वेदा कौन सा है, सामवेद। तो गंधर्व वेद is associated with सामवेद, धनुर्वेद is associated with यजुर्वेद, and शस्त्र शास्त्र is associated with अथर्ववेद, ठीक है। तो दो तरह के स्मृति लिटरेचर अब हमने कवर कर लिए हैं, कौन कौन से, वेदांगास एंड उपवेदास। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्मृति लिटरेचर द धर्मशास्त्रास, ठीक है। What is the subject matter? Law, ठीक है। So these are ancient Indian law books. इसमें तीन अलग अलग categories के works include होते हैं। सबसे पहले तो एक जो हम already cover कर चुके हैं, you remember धर्म सूत्रास, गौतम सूत्र, अपस्तंभ सूत्र, बौधायन सूत्र, etc. तो एक तो वो इसमें आ जाएगा। Then you have systematic and codified laws written by various scholars over a long period of time from the post-Mauryan period right up to the Gupta period known as the Smritis. For example, Manu Smriti. और यज्ञवल्क्य स्मृति, और गौतम स्मृति,
Brihaspati Smriti. Parashar Smriti, etc. ठीक है. Then the third category of works are commentaries on these two other types of work. ठीक है. तो इसके ऊपर किसी ने अपनी कॉमेंट्री लिख दी, कोई उससे डिराइव्ड ऐसे लिख दिया, कोई और अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया. सो दोज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स. सो कॉमेंट्रीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ निबंध, which is a lengthy dissertation on a particular aspect of the law. ठीक है. टीका संग्रह एटसेट्रा. संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ वेरियस कॉमेंट्स. टीका मतलब अ पर्टिकुलर कॉमेंट मेड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. कोई क्लैरिफिकेशन हो जाए कि मान लो मनुस्मृति में लिखा हुआ है दैट वुमेन आर नॉट अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सम लेटर स्कॉलर देन कम्स इन एंड साइड्स द मनुस्मृति एंड देन सेज कि ये इसके एक्सेप्शन है, तो दैट वुड बी टीका. संग्रह मतलब हो गया कि एक कंपाइलेशन बनाया हुआ है. क्लियर. तो ये तीसरा कैटेगरी ऑफ स्मृति लिटरेचर हो गया धर्मशास्त्र. कौन कौन से तीन कवर कर चुके हैं हम? वेदांगास, उपवेदास एंड धर्मशास्त्र. एनदर कैटेगरी ऑफ स्मृति लिटरेचर पुराण्स. द वर्ड पुराण लिटरली मतलब क्या होता है उसका? ओल्ड, एंशियंट, राइट. So these are collections of old stories. What are these stories about? Various gods and goddesses. ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज पुराण्स दे वर क्रिएटेड इन विच पीरियड? मोस्ट ऑफ देम इन दी गुप्ता पीरियड. अर्लिएस्ट वन पोस्ट मौर्यन पीरियड में, लास्ट वन गुप्ता पीरियड में. सो पोस्ट मौर्यन टू गुप्ता पीरियड इज कवर्ड. नाउ हाउ मेनी पुराण्स आर देयर? 18 महापुराण्स एंड न्यूमरस ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल सब पुराण्स, उप पुराण्स. What was the need for this kind of literature? Numerous upapurans. What was the need for this kind of literature? Purpose kya solve kar rahe the? Not only that. Competition with Buddhism was one major aspect. Secondly, अब हिंदुइज्म में जो बिलीव्स थे वो भी शिफ्ट हो रहे थे. द प्रैक्टिस ऑफ हिंदुइज्म वॉज ऑल्सो चेंजिंग. गॉन वर द डेज ऑफ सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स, मंत्रास. अब किसका इमर्जेंस हो रहा था? भक्ति का इमर्जेंस हो रहा था, डिवोशनलिज्म का इमर्जेंस हो रहा था, टेम्पल बिल्डिंग का इमर्जेंस हो रहा था. एंड देयरफोर दीज पुराण्स
were the literary limb of the devotional cult that had started to appear. So these are all devotional in nature. Within brackets you can write associated with bhakti. Another thing that you see over here are the gods which are mentioned in these Purans, the same as the Vedic gods, Indra, Agni, Varun. Unke bare mein koi Puran hai? Agni Puran hai, but that is also associated with Shaivism. Ab jo sari Purans hai, they are associated with Vishnu, Shiva, Brahma, etc. Right? So, new gods. Had firmly replaced the old gods by this point of time. So, aap usko dusre words mein almost aise bol sakte ho that the old gods had been demoted in favor of the holy trinity of Hinduism, Brahma, Vishnu, and Shiva, the creator, sustainer, and destroyer. Theek hai? Then, what are the different aspects of the Purans? Five aspects milte hain aapko Purans mein. These are Sarga, Pratisarga, Manvantara, Vamsha or Vansh and Vamsanu Charita. So, har Puran mein aapko ye idea mil jayega. Sarga kya hai? It deals with the idea of creation. Kaun sa myth yahan pe deal kiya jata hai? Creation ka myth. How the universe was created. Pratisarga puts forward the idea that a universe was created by God and will be destroyed by divine agency. God is going to destroy it also. And this is going to be a cyclical process. So, bar bar creation or destruction hoga. Theek hai? So, destruction. And recreation. Achha, between this destruction, recreation and its destruction once again, is the universe going to remain unchanged? It is going to change continuously. It is going to go through various ages and various lifetimes. Ye idea aata hai Manvantaras mein. That is ages of Manu. Manvantara is the age of Manu. So, yahan pe the idea of Yugas, Manvantras, etc. is put forward. How many Yugas? Four Yugas. Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga. Right? And 14 Manvantras. The idea is the mutation of the universe through time. Then we have the idea of Vansh. Vansh ka matlab kya hota hai? Genealogy. Kaun se Vansh? Chandra Vansh and Surya Vansh. The lunar and solar lineages of whom? Gods, goddesses and sages. Kings nahi hai yahan pe. Theek hai? So the lineages of gods and sages.
देन वी हैव वंशानु चरिता, यहां पे क्या मिलेगा, द लिनेजेस ऑफ किंग्स। एंड डायनास्टिक हिस्ट्री, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज फाइव सब्जेक्ट्स, डू यू गेट एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुराण्स, कुछ और मिलता है? दे हैव टू रिफ्लेक्ट देयर कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मटीरियल लाइफ ये डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो किस पीरियड की डिस्क्राइब करेंगे? प्राइमरीली गुप्ता पीरियड की डिपिक्ट करेंगे। अगर ये टेक्नोलॉजिकल नो हाउ डिपिक कर रहे होंगे तो भी गुप्ता पीरियड का। पॉलिटिकल सेटअप, वो भी गुप्ता पीरियड का। द आइडिया ऑफ धर्म कंटेक्चुलाइज फ्रॉम द पीरियड ऑफ द गुप्ताज। द वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, वो भी गुप्ता पीरियड के सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, द पुराण्स ऑल्सो शेड लाइट ऑन सोशल क्लासेस, ट्रेडिशंस फेस्टिवल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज सोशल रिलेशंस पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रक्चर्स टेम्पल बिल्डिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो दीज आर दी फोर्थ काइंड ऑफ स्मृति लिटरेचर। कौन कौन से देख चुके हम? वेदांगाज, उपवेदाज, दी धर्मशास्त्राज एंड दी पुराण्स। फिफ्थ टाइप ऑफ स्मृति लिटरेचर इतिहास लिटरेचर और एपिक्स। कौन से एपिक्स की हम बात कर रहे हैं यहां पे स्पेसिफिकली? द महाभारत, एंड रामायण, राइट। विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लियर वन? रामायण। माइथोलॉजिकली देखोगे तो रामायण। इट बिलोंग्स टू विच युग? द्वापर युग। और महाभारत? त्रेता युग। But if you look at it not from a mythological perspective but a historical perspective, तो ज्यादा पुराना कौन सा लगता है? महाभारत लगता है। It appears to be the older of the two epics. Although they were both compiled sometime during the Gupta age, probably around 400 AD, लेकिन the kind of information that we get from the Mahabharat points towards a greater antiquity. Kis tarah ki information milti hai? What is the locus of the Mahabharat? Where is it set? Upper Gangetic Valley, Indo-Gangetic divide mein, right? Yahan pe log pehle rehna shuru kiye ya baad mein aaye? Pehle yahan pe aaye, fir uske baad
मिडिल गंगा वैली में पहुंचे। रामायण कहां पे बेस्ड है? मिडिल गंगा वैली, अयोध्या, राइट। तो पुराना वाला कौन सा होना चाहिए? महाभारत। सेकेंडली, द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी फाइंड इन द महाभारत अपीयर्स टू बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन फाउंड इन रामायण। स्ट्रॉन्गर फीमेल कैरेक्टर्स कहां पे ज्यादा दिखते हैं आपको? महाभारत में ज्यादा दिखते हैं। The idea that patriarchal norms had become stronger, that appears from where? कहां पे ज्यादा आपको दिखता है, महाभारत में या फिर रामायण में? रामायण में ज्यादा दिखता है। तो weaker patriarchal norms। etc. So on the basis of this kind of analysis, ज्यादातर हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं दैट द महाभारत इज कंपैरेटिवली ओल्डर। बट क्या हमारा जो डिस्कशन है अबाउट द रामायण एंड महाभारत, शुड इट बी आइसोलेटेड ओनली टू द क्वेश्चन ऑफ विच ऑफ देम इज ओल्डर, या फिर उसके बियॉन्ड भी डिस्कस करना चाहिए कुछ? उसके बियॉन्ड भी कुछ डिस्कस करना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the importance of this historical tradition? इस historical tradition को इतिहास पुराण tradition भी बोला जाता है, right? क्या importance है इसका? इसका origin कैसे हुआ पहले तो ये बताओ, how did it originate? Did it emerge overnight? No. It emerged due to various factors, such as there already existed a long tradition of oral history. In India, right? 4th century AD में क्या किया गया? It was simply written down in the form of the Ramayana and Mahabharata. Then in India there had been a long tradition of mythological accounts and mythological writings, such as Purans bahut pehle se likh rahe the isse, right? So that same tradition was applied to this particular idea also. और द इतिहास पुराण ट्रेडिशन ऑल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ लेजिटिमाइजिंग द रोल ऑफ द रूलर, लेजिटिमाइजिंग द प्लेस ऑफ द रूलर बाय एस्टैब्लिशिंग देयर प्लेस इन हिस्ट्री। सो दिस वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेडिशन दैट हैड ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द पुराण्स। जो फिफ्थ एस्पेक्ट देखा था आपने पुराण का, व्हाट वाज इट नोन एज? वंशानुचरिता, दैट इज द जीनोलॉजी ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टीज। सो कंटेक्चुअलाइजिंग द रूलिंग क्लास within the mythological texts was a continuing tradition
which we also find being continued in the Mahabharata and Ramayana. Then the Mahabharata and Ramayana also come up with what kind of what is the essence of these works? The ideas of good and evil, dharma, karma, moksha, etc., they are told to the general population through various idioms, various stories, through several characters and their actions. Okay? So, ethical, you can say, prescriptions are encapsulated within mythology. Right? And ये काम इसके पहले भी हो रहा था, both in the Vedas as well as the Purans. So the Mahabharata and Ramayana were thus in fact not outliers to the existing tradition of writing in India. उसी का ये extension थे एक तरह से. What about the features of this Itihas Puran tradition? क्या है? Are these works of pure history or pure mythology? Neither. They are a mixture of both. So blending of myth and history. Contextualized in which part of Indian history? Ancient, medieval or modern? Ancient. Are these purely religious works? No, they also lay down ethical and social norms. Is there any single telling of the Ramayana or Mahabharata, or are there multiple versions, multiple recensions, multiple versions? For example, if you look at the Ramayana, there is a northern Sanskrit version attributed to Valmiki. There is a northern Hindi version attributed to Tulsidas. There is a southern Ramayana. There is a Jain Ramayana, a Buddhist Ramayana. Tellings of the Ramayana are also popular in the Indochina region, Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand, etc. So, alag alag jahan pe alag alag versions hain. And does the Ramayana still inform Indian consciousness or not? Yes.
So, in fact, both of these still inform Indian consciousness and play a very important role in guiding the Indian society on questions of right and wrong. So, they are relevant in the modern context as well. Right? So, these are the origins and features of the Itihas Puran tradition. And ye ho jata hai aapka pura ka pura Hindu religious literature. Next, we come to Buddhist religious literature. The earliest works, canonical work, kya bolte hain inko? Three works, three pitakas. Kaun kaun se? Sutta pitaka, Vinay pitaka and Abhidhamma pitaka. What does the Sutta Pitaka deal with? Original teachings of Buddhism. Vinay Pitaka, the rules for the various nuns and monks of the Sangha. And Abhidhamma Pitaka, metaphysics, philosophical aspect of Buddhism. So, ye to ho gaye original canonical works of Buddhism. Apart from that, koi aur type of literature hai? जैसे हिंदुइज्म में पुराण लिटरेचर है, वैसे ही बुद्धिज्म में अवदान लिटरेचर है. हाँ, विनय पिटाका टॉक्स अबाउट दी रूल्स ऑफ दी संघा, दैट इज दी बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर. अवदान लिटरेचर इज दी बुद्धिस्ट इक्विवेलेंट ऑफ दी पुराण्स. तो किस तरह के वर्क्स होंगे ये? डिवोशनल वर्क्स होंगे, राइट? पुराण भी डिवोशनल वर्क्स थे. बुद्धिज्म में भक्ति कब इमर्ज हुआ? विद हीनयान और महायान बुद्धिज्म. महायान बुद्धिज्म, तो अवदान लिटरेचर किससे एसोसिएटेड होगा? महायान बुद्धिज्म से, राइट? Important works, Divyavdan, Asokavdan, etc. Right? Since they are associated with महायान बुद्धिज्म, कौन सा लैंग्वेज होगा इनका? पाली या संस्कृत? महायान बुद्धिज्म संस्कृत, राइट? सो दीज आर संस्कृत वर्क्स. अब जब बुद्धिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बिकम क्लियरर. राइट नाउ आई सिंपली वांट टू गिव यू अ चार्ट जो आपको प्रिपेयर करके याद कर सको, वहां पर नीटली आप फिट कर सको कि अच्छा ये वाला वर्क यहाँ पे आना चाहिए, इस कैटेगरी को बिलोंग करता है. देन वी हैव some other types of devotional works such as biographies, including Lalit Vistar and बुद्ध चरिता.
Then we have several philosophical works. Such as the Milind Panho of Nagasen, the Deep Vamsa, and Mahavamsa, etc. Please explain how Itihas is relevant in the modern context. Because the values found in the Ramayana and Mahabharata continue to guide the value system of modern India. So that is how it is quite relevant. Okay. So these are some of the Buddhist literatures. Then we have Jain literature. कौन कौन से दी अंगाज दीज आर दी कैनोनिकल टेक्स्ट्स ऑफ विच काइंड ऑफ जैन्स श्वेतांबर और दिगंबर जैन्स श्वेतांबर जैन्स दिगंबर जैन्स का कोई कैनोनिकल वर्क नहीं है एंड इनके ऊपर कई सारी कॉमेंट्रीज लिखी गई हैं नोन एज दी उपंगज देन वी हैव अ नंबर ऑफ बायोग्राफीज ऑफ द वर्धमान महावीर एज वेल एज द वेरियस तीर्थांकराज or some other Jain saints associated belonging to this period such as Parishisht Parvan Obai Sutra एक और नाम है वो याद नहीं आ रहा है मुझे याद आएगा तो आई लेट यू नो ठीक है इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा राइट नाउ जैन लिटरेचर हैज बीन ऑफ रिलेटिवली लेसर सिग्निफिकेंस एज कंपेयर्ड टू द हिंदू एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि इसमें रिलेवेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है नहीं बट इसके ऊपर इनफ अटेंशन नहीं दिया गया है ठीक है ना ये तो हो गया रिलीजियस लिटरेचर देन वी हैव सेक्युलर लिटरेचर देखते हैं सबसे पहले वर्क्स ऑन स्टेटक्राफ्ट कौन से नाम आते हैं अर्थशास्त्र एंड नीतिसार अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य नीतिसार ऑफ कामंडका ठीक है जनरली अर्थशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न पीरियड नीतिसार गुप्ता पीरियड ठीक है लेकिन इफ यू लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द अर्थशास्त्र अर्लियर पोर्शन ऑफ इट अपीयर्स टू बी प्री मौर्यन एंड लेटर पोर्शन ऑफ इट अपीयर्स टू बी पोस्ट मौर्यन व्हाट डज दिस इंडिकेट दैट
Not only was it compiled later, but it has been created over a long period of time, over several centuries. So could it have been the work of a single author? Probably not. ठीक है. And although the अर्थशास्त्र is very valuable from the point of view of understanding the idea of the ancient Indian state, the various duties and responsibilities of the king and various officials, but इसकी हिस्टोरिसिटी पे पूरा का पूरा 100% भरोसा हम नहीं कर सकते हैं. सेम इज द केस विद द नीति सार. सम हिस्टोरियंस हैव मेड द आर्ग्यूमेंट दैट दिस प्रोबेबली रिफ्लेक्टेड द स्टेट ऑफ द मौर्यन पीरियड एंड नॉट द गुप्ता पीरियड. ठीक है. देन वी हैव लिटरेरी वर्क्स सच एज द वर्क्स ऑफ भाष, शूद्रक, कालिदास एटसेट्रा. किस तरह के वर्क्स इन्होंने कंपोज किए? प्लेज, पोएम्स, एपिक्स एटसेट्रा. एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता ही होंगे, राइट. देन वी हैव एग्जाम्पल्स नहीं पता है तो कालिदास के फेमस वर्क्स मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वश्यम. दीज आर ऑल प्लेज, ड्रामास. ठीक है. देन वी हैव द कुमार संभव एंड रघुवंशम. दीज आर लेंदी पोएम्स जिसमें एक नैरेटिव है, स्टोरी है. वे आर नोन एज एपिक्स. ठीक है. देन वी हैव द मेघदूतम, एंड ऋतु संहार. दीज आर पोएटिक वर्क्स, कलेक्शंस ऑफ पोएम्स. ठीक है. भाष का दरिद्र, चारुदत्तम, शूद्र का मृच्छकटिकम. बोथ ऑफ दीज आर प्लेज ऑल्सो. अनदर इंपॉर्टेंट प्ले राइट ऑफ द गुप्ता पीरियड विशाखादत्त. विशाखादत्त गुप्ता पीरियड का, राइट. क्या क्या लिखा है इसने? देवी चंद्रगुप्तम, एंड मुद्र राक्षस. ये सारे के सारे प्लेज हैं. ठीक है. राइट. देन वी हैव
scientific manuals. Such as Charak Samhita, the Sushrut Samhita, Aryabhatiyam, the Panchasiddhantika, the Brihat Samhita, etc. Charak Samhita dealing with medicine, Sushrut Samhita dealing with surgery, Aryabhatiyam dealing with mathematics and astronomy, Panchasiddhantika also dealing with mathematics and astronomy, Brihat Samhita dealing with astronomy and astrology, etc. Theek hai? Then you also have another type of work. Various fables. Fables mein toh पंचतंत्र तो वो आप लिटरेरी वर्क्स में ही इंक्लूड कर सकते हो, फेबल्स शॉर्ट स्टोरीज लिटरेरी वर्क्स में इंक्लूड कर सकते हो, बायोग्राफीज, सच एज द हर्षचरिता, गड़ुआ हो, एटसेट्रा, राइट, विक्रमनदेव चरिता, कई सारे हैं. हर चरिता एट्रिब्यूटेड टू बाणभट्ट, डेडिकेटेड टू हर्षा. गड़ुआ हो एट्रिब्यूटेड टू वाकपति एंड डेडिकेटेड टू यशोवर्मन, राइट. अलग अलग तरह के सेक्युलर लिटरेरी वर्क्स, वर्क्स ऑफ लिटरेचर भी एग्जिस्ट करते हैं. नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ द, यू कैन से यूजफुलनेस ऑफ लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, or reliability of literature as a source of history. Batao, what are the problems with relying upon literature exclusively for studying history? Dekho, the majority of literature that was produced in ancient India was that done expressly with the purpose of history writing. No, much of it was mythico-historical in nature or religious in nature. Therefore, those works cannot relate the sense of history that is required for modern standards. ठीक है? तो एक तो शॉर्टकमिंग ये है, बट मोस्ट इंडियन लिटरेचर आर
not historical works. They are religious mythologies. And they reflect the ideology of the intellectuals of ancient India. These ancient Indian intellectuals were not writing literature, not creating literature with the purpose of preserving history for posterity. Rather, they were doing it to promote the idea of a complete life. Okay? That was their ideal. In works ko padhne se, you are going to live a good, happy, fulfilling life. How? By the manifestation of four purusharthas. Kaun kaun se four purusharthas? Dharma, Arth, Kaam and Moksha. And that is why even historical events have been treated with a lot of literary license and a great degree of creativity. Okay? So, they are ek to ye shortcoming hai Indian literature ka. Aur kya shortcoming hai? Indian literature ka? See, literature is a medium that is susceptible to extrapolations and redactions. Yani ki aap baad mein usme kuch add kar sakte ho, baad mein usse kuch hata sakte ho. And looking at all the ancient Indian literature, they have not been left in the original state. They have been heavily doctored. And thus a historian has to be extremely careful to understand what are the layers, historical layers, to that particular text. So, ye work of history to nahi hai, lekin history padhne ke liye use kiya ja raha hai. And secondly, in works ki apni ek history hai, that should be well understood. Theek hai? So, they are susceptible to interpolations and redactions. ठीक है, तो इसमें कुछ बाद में ऐड कर दिया गया, बाद में कुछ निकाल लिया गया. For example, Rigveda consists of 10 books, 10 mandalas. उसमें से mandalas 1, 8, 9, 10, all of them were later additions. अब this we know because the kind of language used in the original work is quite different from the one used in the later works. But it is not always very easy to identify कि कब कोई नया पेज उसमें ऐड किया गया है. Thirdly, most of the Indian works, they are either attributed to one author who we do not know was a historical personality. तो किसी ऋषि मुनि का नाम लिख दिया जाएगा, वेद व्यास, वाल्मीकि etc. और they are authorless. तो किसी author का नाम ही नहीं mentioned है. Right? And that presents another challenge to historians. Kya? That since we are not aware about who the author is, we are also not aware what the author was working towards. What was his objective? What was his social background? Usko ye literature likhne ke liye paise kahan se mil rahe the? Who was patronizing them, etc. Right? ये सारी चीजें नहीं पता लगती हैं, उसका सोशल बैकग्राउंड नहीं पता लगता. Thus, we are not aware about their
biases, and thus that becomes very difficult to account for. Okay, so authorship of most Indian works is suspect. ठीक है, तो सिंस द ऑथरशिप इज सस्पेक्ट, तो बोथ क्रोनोलॉजी एज वेल एज द बायसेस आर वेरी डिफरेंट, आर वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ वर्क्स. अच्छा, नाउ इंडियन लिटरेचर, क्योंकि हमने देखा है कि मिथिको रिलीजियस लिटरेचर है, मोस्टली हिस्टोरिकल लिटरेचर नहीं है. दैट इज वाई हिस्ट्री हैज ऑफन बीन एनमेस्ड विद फैक्ट. So sometimes these two things are muddled together so badly that it becomes very difficult to tell ki kaun sa usme se myth hai, kaun sa history hai. Theek hai, so muddling of myth and history, then जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है उसका ओरिजिन ज्यादातर क्या है, जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है जैसे कि वेरियस प्लेज हो गए, वेरियस लिटरेरी वर्क्स, ड्रामास, शॉर्ट स्टोरीज, उसका ओरिजिन क्या है, रॉयल कोर्ट्स. तो यहाँ पे रॉयल पेट्रनेज मिल रहा है. अगर रॉयल पेट्रनेज मिल रहा है, आर दीज राइटिंग्स गोइंग टू बी अनबायस्ड? नो, बायस इसमें प्रेजेंट होगा. So there is a bias towards the royal patron in most non-religious works. Even in the non-royal religious as well as non-religious work, जो भी author है वो हमेशा किसी ना किसी को praise करने की कोशिश कर रहा है, and in contrast किसी ना किसी को criticize करने की कोशिश कर रहा है. Right, so even the religious as well as non-religious works, other non-royal non-religious works, they also suffer from an inherent bias, author ka bias, which is not very easy to you can say know about all the time. ठीक है, then और क्या shortcomings होती हैं इसमें, that जो लिटरेरी वर्क्स से हमको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, वी डू नॉट ऑलवेज हैव कॉरेस्पॉन्डिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बीबी लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक्सकवेट किया था द साइट ऑफ हस्तिनापुर. ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ महाभारत, लेकिन जिस तरह का उनको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिला वहां पे हस्तिनापुर में, दैट डिड नॉट मैच द डिटेल्स गिवन इन द महाभारत. राइट, so often there is a mismatch. इसमें ये नहीं पता लगता कि वो historical account जिसके लिए मान लो archaeological excavation नहीं हुआ है, वो किस degree तक believable है. ठीक, so that is another shortcoming. So these are some of the shortcomings of literary works. But does that mean that historians should not rely upon literature at all? Aisa to nahi ho sakta. So what
should historians be careful about when using literature to reconstruct history? बताइए किन किन चीजों के बारे में हिस्टोरियंस को केयरफुल होना चाहिए. शुड दे एक्सेप्ट एनीथिंग दैट हैज बीन रिटन एट फेस वैल्यू? नो, दे हैव टू अप्लाई देयर क्रिटिकल माइंड टू ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे ग्लीन फ्रॉम द लिटररी सोर्सेज. They have to cross-check it with other literary sources, contemporary literary sources, later literary sources, as well as archaeological sources if available. ठीक है? So, critical evaluation of information is paramount. Verification of the information through cross-referencing with available literary as well as archaeological evidence should be done wherever possible. Thirdly, the historian must be careful to account for the biases of the author, the original author. And more important than that, the historian must also be aware about his own biases, ठीक है, so that he can account for them as well. और क्या और कैसे यूज करना चाहिए लिटरेरी सोर्सेस को, और क्या क्या केयर लेना चाहिए? क्रॉस रेफरेंस हमने देख लिया, अकाउंटिंग फॉर बायस हमने देख लिया, देन वी हैव सीन क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग फॉर ओन बायस, एंड finally, reliance upon a multidisciplinary approach to reconstruct a more vivid and accurate picture of history. So, isme new tools which are emerging for the study of ancient economy, ancient political system, ancient society, they must also be borrowed from those modern disciplines. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल यूजिंग लिटररी सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री. एक क्वेश्चन और ले लीजिए. इज लिटरेचर अ रिलायबल सोर्स
for studying the past. For studying the past. Question mark. How can it be used responsibly for reconstructing history? Question mark, 200 words. ठीक है. सो आई होप यू विल बी एबल टू एड्रेस दिस क्वेश्चन एज वेल. नाउ अब हमको इसके बाद बात करनी है आर्कियोलॉजिकल फॉरेन राइटर्स के बारे में एंड देन अ डिबेट अबाउट वेदर इंडियंस हैड अ सेंस ऑफ हिस्ट्री और नॉट. तो वो डिबेट जो है, जो आज आपको नोट्स मिले हुए हैं, उसमें मेंशन किया हुआ है. कल क्लास से आने के पहले उसको पढ़ के आइएगा. वी आर गोइंग टू नॉक दैट आउट एंड देन उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, स्टोन एजेस के ऊपर. ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट कवरिंग दैट टुमारोस क्लास. बोथ धर्मशास्त्र, जो धर्म सूत्राज है ना, वो धर्मशास्त्राज की कैटेगरी में भी आप रख सकते हो और वेदांगास की कैटेगरी में भी रख सकते हो, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ कल्प सूत्रा लिटरेचर. ठीक है. तो सूत्रा लिटरेचर का भी पार्ट है एंड देन योर शास्त्र धर्मशास्त्र लिटरेचर का भी पार्ट है. ऑलराइट, एनी डाउट्स? हाँ, कौन से सोर्सेज ज्यादा रिलायबल हैं? अब दैट डिपेंड्स ऑन द पीरियड दैट यू आर स्टडिंग. कुछ ऐसे पीरियड्स भी होंगे जहां पे लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल अर्ली वैदिक एज, जहां पे अगर कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं तो दे डू नॉट मैच द डिटेल्स दैट आर गिवन नेसेसरली इन द ऋग वैदिक संहिता. राइट. सो किनके एक्सप्लेनेशन से? नहीं, वो तो मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग की बात हो कर रहे हैं ना आप. हम जब लिटरेरी सोर्सेज को डील कर रहे हैं तो आज आर्य शर्मा की लिखी हुई किताब को नहीं उसमें जोड़ रहे हैं ना. वी आर लुकिंग ओनली एट द हिस्टोरिकल लिटरेरी वर्क्स. तो पहले जो लिख चुके हैं केवल उनको देख रहे हैं. जो मॉडर्न आर्कियोलॉजी से रिजल्टिंग लिटरेचर है उसको लिटरेरी वर्क में हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी हिस्ट्री, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बेसिस पर जो अब मॉडर्न हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिख रहे हैं, दैट कम्स अंडर दैट कैटेगरी. ठीक है. एनीथिंग एल्स? नहीं, तो कल मिले सेम टाइम पे 5 बजे.